नमस्कार के व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने ईद के लिए शॉपिंग कर ली है, ये मैंने कॉलर के लिए सामान लिया है, ठीक है। और अभी मैं आई हूँ घर, ठीक है। और ये देखिए मेरे हाथ पे निशान बना है, मेहंदी वगैरह, लिप ग्लॉस, लाइनर, जो जो मुझे ज़रूरत थी मैं सब लेकर आई हूँ। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी ईद आने वाली है। तो मैंने सोचा कि मैं क्लाइंट वगैरह आएंगी तो खर्चे वगैरह कराएंगी, तो मैं जो भी नई अच्छी प्रोडक्ट मुझे लगी तो मैं लेकर आई हूँ। और मैंने सब टेस्ट किया है और मैं गई थी तो देखें पूरा हाथ खराब हो रहा है, बिल्कुल अभी आई हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या ला रही हूँ। हाँ, तो मैं ये सब लेकर आई हूँ, आप लोग देख लें, ठीक है। मेहंदी ये मैं चेक करने के लिए लाई हूँ, ठीक है, क्योंकि ना मेहंदी अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट को शिकायत होती है रंग अच्छा नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे लगा के देखा था, फ़ौरन ही मैंने मिटा लिया था। देखें ये रंग इसका फ़ौरन ही आया है, तो मैं ये मंगवा लूँगी शॉप से, ठीक है। तो ये मैं मंगवाऊँगी और ये मैं सेल करने के लिए भी रखूँगी, 50 रुपीज़ है, ठीक है, ईच ये मैं रखूँगी। बाकी मैं सीज़र मेरी पुरानी ख़राब हो गई थी तो मैं लेकर आई हूँ, ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए है, बहुत महंगी है, ब्रांड की है, ये देखें, मैंने फोकस नहीं हो रहा यार, ये मेरे मोबाइल का मसला होता है, इसमें नज़र नहीं आ रहा, ये ब्रांड का है, ये मैं सीज़र लेकर आई हूँ, ठीक है। और बाकी ये छोटी वाली है, ये भी ब्रांड की है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए हर चीज़ ब्रांड यूज़ करना पड़ता है। ये मैं आईब्रो के लिए सीज़र लेकर आई हूँ, या तो फिर नेल्स वगैरह के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये मैं अपने लिए लाई हूँ, ग्लोस, ईद वगैरह आ रही है तो मैंने सोचा वैसे क्लाइंट के लिए भी यूज़ हो ही जाएगी, इतने तो मैं नहीं लगाऊँगी, साथ छोड़ो, ठीक है। और साथ आपने क्या पकड़ लिया है ये, और ये है ब्रश है मेरा, है ना, लाइनर ब्रश ख़राब हो जाता है अक्सर यार, ये मोबाइल को क्या हो रहा है, हाँ ये बिल्कुल बारीक सा पेंसिल जैसा होता है नोक में, ठीक है। और ये इसकी दूसरी तरफ ये कॉस्मिक का, ये मेरा अक्सर ख़राब हो जाता है, ठीक है, लाइनर सूख के ना वॉश होने के बाद फिर वो निकल जाता है अगर ब्रांडेड ना हो, ठीक है, वॉश करने के बाद, तो मैं दूसरा लेकर आई हूँ, ठीक है। और बाकी ये फेशियल बैंड के प्लान इतने ज़्यादा आ जाते हैं एक साथ तो मुश्किल हो जाती है, मेरे पास 5 रखे हुए थे फिर भी मैं एक ले आई, ठीक है, क्योंकि अक्सर वॉश नहीं हुआ हुआ होता तो मुश्किल हो जाती है, तो एक फेशियल बैंड भी मैं लेकर आई हूँ। बाकी ये देखें, ये पेडिक्योर मैनीक्योर किट लेकर आई हूँ मैं, ये पैकेजिंग बहुत ही औसम है, देखें। और इसको मैंने पहले भी ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा अपने ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, अपने सैलून पे मैंने रखा हुआ है, ये देखें मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये देखें, ये मैंने पहले मैंने ट्रायल किट यूज़ किया था छोटे में, ठीक है, फिर ये, और ये मेरी ख़त्म, ये दोनों ख़त्म हो गई, इसमें अभी था तो फिर मैं दोबारा लेकर आई हूँ, क्योंकि क्लाइंट आते हैं तो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये पूरा है प्रोफेशनल यूज़ के लिए, बहुत बड़ा सा, इससे भी बड़े बड़े जार होते हैं जो मैंने आपको दिखाया ना, इससे भी बड़े होते हैं, पर मेरे पास अभी इतनी, मैंने बोला यार पार्लर घर का है, नॉर्मल सा फ्लैट है छोटा सा, तो इतने ज़्यादा क्लाइंट तो होते नहीं हैं, ठीक है, थीके? तो इसलिए मैं अभी नहीं लाई हूँ, पर मुझे यही बहुत पसंद है, मैं इसी का यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लीच की तरफ, ब्लीच तो मैं हर बहुत सारे लेती हूँ, क्योंकि हर स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है, साथ बहुत तंग कर रहा है, साथ छोड़ दो, ठीक है, रुको, मनाहल में मना कर रही हूँ, ठीक है। ये लाई हूँ मैं ये वाइटनिंग के हिसाब से, ठीक है, और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मैं लाई हूँ, और ये है वो उन स्किन टाइप के लिए जो ऑल टाइप स्किन के लिए होता है। मैं 5-6 किस्म की ब्लीच रखती हूँ, हर स्किन के हिसाब से रखती हूँ, कि हर किसी को ब्लीच जो है ऐसा एक पार्ट है फेशियल में जो बहुत ही मुश्किल होता है उसे, मतलब कैरी करना, ये प्रोफेशनल यूज़ वाले ही उसे कैरी कर सकते हैं, मतलब अपने क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि हर किसी के अगर घर पे यूज़ करेंगे तो उनके फेस पे दाने हो जाएंगे, इसलिए आपको स्किन टाइप के हिसाब से ही ब्लीच यूज़ करना चाहिए। तो मैं हर के स्किन देखती हूँ, उसके बाद मैं उसको रिकमेंड करती हूँ कि आप ये यूज़ करें, इसलिए आप मुझसे कमेंट में मत पूछिएगा कि मैं कौन सी ब्लीच लूँ, ठीक है, स्किन टाइप के ऊपर होता है। बाकी ये भी मैं लेकर आई हूँ, गोल्ड फेशियल भी है इसका, मेरे पास बड़ा भी जार भी है, छोटा भी है, पहले मैंने ट्रायल किया था तो मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर दोबारा लेकर आई हूँ, ठीक है। पर गोल्ड के फेशियल बहुत कम आते हैं सैलून वगैरह में ना, इसलिए मैं छोटा ही लेकर आ गई, ये ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, ठीक है। बाकी एप्रेन है मेरा, 2 एप्रेन ऑलरेडी ख़राब हो गया था, क्योंकि ना वो डाई के क्लाइंट पिछले महीने बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि सीज़न थे शादी वगैरह के, तो उसे वॉश करा तो फिर भी थोड़ा बहुत ना उसके रह गया, और एक साथ 2-3 क्लाइंट में भी मसला होता है, मेरे पास सिर्फ 2 एप्रेन था कटिंग का उसका, तो मैं ये लेकर आई हूँ, मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ, ग्लैमर फेस का ये,
ये एप्रेन है। साद ने इतना परेशान किया हुआ है, वो कोई चीज़ दिखाने नहीं दे रहा। एक हाथ हम बाल खड़ा हुआ है ना मैंने, तो इस तरह का ना इसमें ये लगा हुआ है, इसे सिक्योर कर लो आप, ठीक है। ये एप्रेन, ठीक है, ये एप्रेन भी हो गया। अब ये तीनों चीज़ आ जाती है। ये मैं ट्रायल के लिए लाई हूँ, कैसा है मुझे नहीं पता, पर वो कॉस्मेटिक शॉप वाले कह रहे थे बहुत अच्छा है, तो मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने अगर किया तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा, ठीक है। बाकी ये भी लेकर आई हूँ ट्रायल के लिए, और ये पाउडर बच्चों के लिए लाई हूँ। ये सूथिंग लोशन मेरा ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो मैं लेकर आई हूँ। बाकी ये भी मैं ट्रायल के लिए लाई हूँ कि ट्राई करूँगी कैसा है, ठीक है। बल्कि नहीं, ये जो है मैं पहले शादी से पहले यूज़ कर चुकी हूँ, स्केयर का अच्छा होता है, ठीक है। मुझ पे तो सूट करता था, क्लाइंट पे मुझे उसके हिसाब से देखना होगा इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट को सूट करता है कि नहीं, ठीक है। और बाकी ये मैं लेकर आई हूँ गन, क्योंकि वो जो मेरे पास स्प्रे गन पुराना वाला रखा हुआ है ना, तो वो वाला ना बहुत बड़ा है और ना मुश्किल हो जाती है मुझे स्प्रे की। देखिए साथ कैसे छीन रहा, मतलब साथ छोड़ो नहीं दे रहा। अभी उस अभी के अभी उसने मेरी आउटलाइन भी ख़राब कर दी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैं अभी लेकर आई हूँ, और अभी के अभी साध ने क्या किया है, ये देखें मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको, ये साध ने क्या किया है, वो खाते हैं लिपस्टिक। ये मैं बिल्कुल अभी लेकर आई थी, बिल्कुल यूज़ भी नहीं हुआ ये, और ये असर किया साध ने इसको ना, बिल्कुल नो ख़राब कर दी। बाकी एक चीज़ रह गई थी, बच्चों ने इधर उधर कर दिया था, ये पैलेट लाई हूँ मैं, ठीक है, कॉन्टोर पैलेट भी कह सकते हैं, ब्रो में भी लगा सकते हैं जो भी, ठीक है। ये बाकी इसका जो रिव्यू वगैरह है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी ईद में, ठीक है। ईद में जब मैं लगाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यही था, और आप सारी कर रहे हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।